है। सो क्वेश्चन नंबर 1, राशिदा सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड अलाउ हर कस्टमर अ ट्रेड डिस्काउंट, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो अब बेटा राशिदा गुड सेल करिए अपने कस्टमर का और उन्हें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करिए, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो आपको सबसे पहले ये जहन में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स। सही हिसाब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब इसकी कोई डबल एंट्री वगैरह नहीं होती है, टी अकाउंट्स में इसकी एंट्री नहीं आती ट्रेड डिस्काउंट की। सही है, तो आप देख लेते बेटा, अ डेबिट एंट्री इज मेड इन द कस्टमर्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर फॉर द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ये बात सही है? तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि लेट से अगर मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे, मैंने कस्टमर को गुड्स बेची लेट से 1000 डॉलर के, और मैंने उसको दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट। सही है, 10% मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 1000 डॉलर के जो गुड्स थे वो एक्चुअल में मैंने उसको बेचे कितने? 10,000, 10% अगर आप ट्रेड डिस्काउंट हटाओ तो 900 के बेचे। तो बेटा ये 900 का साथ ही एंट्री रिकॉर्ड होगी, कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सही है, इसीलिए देखो अ डेबिट एंट्री इन कस्टमर्स अकाउंट इन द सेल्स लेजर फॉर द नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड। समझ आई बात? तो ये हो गया, तो ये 1 तो हो जाएगा, और इसके बाद द डेट ऑफ सेल, नेम ऑफ द कस्टमर, कॉस्ट प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट आर एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल। बिल्कुल, सेल्स जर्नल में आप देखो शो कर रहे होते हो कॉस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब शो कर रहे होते हो, भले आप टी अकाउंट में नहीं एंटर करते तो 2 भी करेक्ट है। 3 में लिखा हुआ है द ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, द ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। सही है, अच्छा 1 मिनट आवाज लैग करिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करके वापस इसको जो ना रिप्ले, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ इसको खत्म करके। द ट्रेड डिस्काउंट इज डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड। तो बिल्कुल ये बात सही है, सही है, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, सॉरी ये गलत है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो ना कस्टमर अकाउंट में, जैसे मैंने आपको समझाया, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 1 और 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सही है, सबके समझ आया बेटा ये? और बेटा 3 तो मैंने जैसा आपको बताया हो ही नहीं सकता ना, तो अब ये देखें, आपको पता है 1 कंफर्म हो सकता है, तो आपको पता है 3 नहीं हो सकता, तो आप बी और सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? एमसीक्यू का ये भी दूसरा तरीका है कि आप जो ना एलिमिनेट कर सकते हो, कि जो आपको गलत लग रहे ना वो आप एलिमिनेट कर दो। सही है, 1 मिनट मुझे दो ना, मैं वापस स्क्रीन शेयर। सही सही है, मैं स्क्रीन शेयर कर। सही, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सबके समझ आया बेटा, प्लीज रिप्लाई कर दो। सही है, वेरी गुड। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740, कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग। तो बेटा ये मिला, अब सोमराज अपडेटेड हिज कैश बुक एंड एज रिक्वायर्ड व्हाट वाज द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस, व्हाट वाज द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। सही है, तो आप देखें ये उसने हमें अपडेटेड कैश बुक बैलेंस बताने, बात समझा रही है? तो मैं इस तरह स्टार्ट दूंगा ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अगर आप फॉर्मेट रिकॉल करें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एड अनप्रेजेंटेड चेक, अनलेस अनक्रेडिटेड चेक, एड अनप्रेजेंटेड चेक और लेस अनक्रेडिटेड चेक। सही है, तो ये आपका फॉर्मेट है। इसके बाद आ जाता है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक,
तो बेटा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको पता है 740, और बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो 740 ये आ गया। अनप्रेजेंटेड चेक ये 150, तो ये ऐड हो जाएंगे। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अनप्रेजेंटेड लेस होते और अनक्रेडिटेड ऐड होते, लेस अनप्रेजेंटेड ऐड अनक्रेडिटेड, तो ये 150 माइनस हो जाएंगे, और अनक्रेडिटेड चेक तो जीरो है, तो अब आप निकाल लोगे 690, और ये 590 आपका आंसर आ जाएगा। तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 590 आ गया। सही है, ये जो चीज आपको दी है ना एग्जामिनर ने आपको ट्रिक करने के लिए दी है, बैंक चार्जेस सही है ये आपको ट्रिक करने के लिए दी है, तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, सही है, क्लियर है सबके? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। सही है, आई होप सबके समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड अ सोल ट्रेडर प्रोवाइड फॉर अ डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स टू मैच द कॉस्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द इयर्स व्हिच बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट। बिल्कुल ये बात भी सही है बेटा कि भाई हम जिस साल हमने रेवेन्यू कमाया है उससे रिलेटेड अगर कोई बेनिफिट अगर हमने कोई एसेट से जनरेट करा है तो हम उसी साल जो है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पर बेटा जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, लेट्स से मैंने उसको अभी खरीदा है इस इंटेंशन के साथ कि मैं इसको अगले 5 साल तक यूज करूंगा, लेट्स से मैंने 10,000 का खरीदा है, अगले 5 साल तक मैं इसको यूज करूंगा, तो बेटा मुझे ये 5 साल तक क्योंकि बेनिफिट दे रही है ना इक्वली, तो मैं क्या करूंगा इसकी कॉस्ट को भी 5 सालों में स्प्रेड कर दूंगा, 5 सालों में डिवाइड कर दूंगा, हर साल जैसे आगे की 2000 तो हर साल में 2000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करूंगा, हर साल थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मुझे दे दी जा रही है, तो थोड़ी थोड़ी जो है ना उसकी कॉस्ट डिडक्ट करते जा रहा हूँ, तो 1 हो जाएगा। टू प्रोवाइड अ कैश फंड, तो भाई डेप्रिसिएशन कैश फंड तो प्रोवाइड नहीं करते ये आपको पता है। टू रिकग्नाइज दैट मोस्ट नॉन करेंट एसेट लूज वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही है, तो ये भी सही है, सही, क्योंकि नॉन करेंट एसेट की ज्यादातर वैल्यू कम होती है। टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी सही है, अगर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएगा, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो 1, 3 एंड 4 सही है, 1, 3 एंड 4। अब अगेन आप स्ट्रैटेजी अपने जहन में रखें बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने की, मैंने जैसा आपको समझाया। देखिए नंबर 2 तो किसी केस में हो ही नहीं सकता, तो जो जो ऑप्शन में नंबर 2 आ रहा है ना वो आप खुद ही एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे ए भी एलिमिनेट हो रहा है, बी सी भी एलिमिनेट हो रहा है, डी भी एलिमिनेट हो रहा है, तो ए सी डी तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 आ रहा है। तो आप बेहतर तरीका ये भी, अगर आपसे एमसीक्यू ना हो रहा हो ना, आप जो गलत वाला आपको लग रहा है ना एब्सोल्यूट गलत, उसको आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर दें, अपनी चॉइसेस नैरो डाउन कर दें, एक या दो ऑप्शन बचे हैं उसमें से जो ना आपको आप तुक्के भी लगा सकते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 20,000, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2019, इट हैज अ यूजफुल वर्किंग लाइफ ऑफ 5 ईयर एंड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000, डिप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड वॉज इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, इट वॉज फाउंड दैट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 30% पर एनम शुड हैव बीन यूज्ड। तो बेटा उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, जबकि लगाना उन्होंने था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो अब हम देखते हैं इससे अफेक्ट क्या है प्रॉफिट पर। तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से देखते हैं, आप ये देखें यूजफुल वर्किंग लाइफ ये ना, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो कॉस्ट क्या है बेटा, कॉस्ट है 20,000, रेजिडुअल वैल्यू है -3,000, तो हम ये माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,400। अब बेटा इसका लॉजिक क्या है इस फॉर्मूले का, ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। तो बेटा इस फॉर्मूले का लॉजिक ये है कि आप खुद सोचो बेटा, अगर आपने आज एक चीज $20,000 की खरीदी है और आप सोच रहे हो उसको मैं 5 साल बाद 3,000 में स्क्रैप कर दूंगा, 3,000 में बेच दूंगा, तो अगर मैंने आज कोई चीज 20,000 की खरीदी है और मैं उसको 5 साल बाद 3,000 में बेच दूंगा, तो टोटल मैं 5 सालों में उसकी वैल्यू कितने डॉलर से गिराऊंगा, तो बेटा ऑब्वियसली मैं 5 सालों में उसकी वैल्यू 17,000 से गिराऊंगा, तो इसीलिए देख रहे हो ये 20,000 -3,000 17,000 आ रहा है, तो अगर आप 5 सालों में टोटल उसकी वैल्यू 17,000 से गिराओगे तो आप एक साल में उसकी वैल्यू कितने डॉलर से गिराओगे, तो 17,000 डिवाइड बाय 5, तो एक साल में बेटा आप उसकी वैल्यू $3,400 से गिराओगे। ये इस तरह फॉर्मूला आता है, और फिर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 20,000 पर डायरेक्ट 30% लगा देंगे क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्रिसिएशन है, तो 6,000 आ जाएगा। सही है, तो हमने क्या करा, हमने
स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था इनकम स्टेटमेंट में 6,000, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया 3,400। बात समझ आ रही, होना चाहिए था 6,000 लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया 3,400, तो बेटा मेरे एक्सपेंसेस कम हुए हुए। और अगर मेरे एक्सपेंस कम हुए हुए इसकी वजह से तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, एक्सपेंस मेरा कम हुआ है, मैंने एक्सपेंस को 6,000 की जगह 3,400 रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरा एक्सपेंस कम हुआ है। कितने से कम हुआ है, दोनों का डिफरेंस 2,600 से मेरा एक्सपेंस कम हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट 2,600 से बढ़ा हुआ है, तो 4 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सही है बेटा, 4 का आंसर सी हो जाएगा। सबके समझ आ रहे हैं, प्लीज रिप्लाई बेटा। सही है, 4 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5, अंजुम रेंट्स पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू अजय फॉर 6,120 पर एनम। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 2 month रेंट इन एडवांस, एट द एंड ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 3 month रेंट इन एडवांस, हाउ मच रेंट वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई रेंट इनकम है ना अजय के लिए, तो इसका अकाउंट बना लेते हैं, इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ओपो, OPPO, और बैंक की वैल्यू किधर आती है, बैंक डेबिट, और इनकम अकाउंट क्रेडिट। इनकम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये तो फॉर्मेट हो गया इनकम अकाउंट का, जो सबको आई होप आता होगा। तो एट द बिगनिंग, अब हम देख लेते हैं पूरे साल का बेटा रेंट 6,120 है, तो 1 महीने का रेंट कितना होगा, 6,120 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 महीने का रेंट पता चल जाएगा, विच इज आई थिंक 510। 510 1 महीने का रेंट आ जाएगा, तो शुरू में देखें 2 month का रेंट एडवांस है, यानी 2 month का रेंट प्रीपेड है, तो 1 महीना 510 है, 2 × 510 कितना हो जाएगा, 1,020 हो जाएगा, और फिर एंड में 3 महीने का एडवांस है, तो ये 1,530 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो हाउ मच रेंट वॉज रिसीव। अब ये देखिए जो रेंट दिया है ना पूरे साल का 6,120, ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू दी हुई है कि भाई जो भी पूरे साल की उसकी इनकम है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको जितने भी पैसे मिले, भाई अगर उसने 12 महीने जगह रेंट पे दी है पूरा साल, तो पूरे 12 महीने का जो रेंट है ना उसका इनकम हो गया। बात समझ आ रही है, तो 6,120 यहाँ पर आ जाएगा, तो अब आप ये ऐड करें और ये आप बैंक की वैल्यू पर निकाल लेंगे, तो 6,120 66,76, 76,50, ये भी हो जाएगा 76,50, 76,30, 66,30, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5C। सही है बेटा, 5C आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6, अ बिजनेस मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ऑन 31st December 2018 वाज 2,700, ऑन 31st December 2019 द ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड टू 50,000, हाउ विल द प्रोविजन बी रिकॉर्डेड। तो बेटा हम इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट एक काम करके बना लेते हैं, और आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, जो एसेट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बेसिकली आपके ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर रहा है, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसीलिए अगर एसेट का बैलेंस बीडी डेबिट पर आता है तो जो चीज एसेट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है उसका बैलेंस बीडी किधर आएगा, क्रेडिट पर आएगा। सही है बेटा, तो बैलेंस बीडी आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पर, कितना आएगा, जो पिछले साल के आखिर में बैलेंस था वो 2019 के शुरू का बैलेंस हो जाएगा, तो 2,700 आ गया, और सीडी यहाँ पर लिख देंगे हम, अब कैलकुलेट कर लेंगे 50,000 का 5% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2,500। तो 2,500, तो कौन सी साइड छोटी है, ये वाली साइड छोटी ना डेबिट वाली, तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा डिफरेंस 200। बात समझा रही है, तो आप देखें 200 से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आंसर सी या डी होगा। सही है, सी या डी होगा। अब आपका प्रोविजन शुरू में था 2,700 और आखिर में हो गया 2,500, तो बड़ा या कम हुआ है, तो बेटा 200 से कम हुआ है ना, और अगर 200 से कम हुआ है तो इसका मतलब ये आपके लिए इनकम है, और इनकम है तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही है, सबके समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 6 तक, प्लीज रिप्लाई कर दें। सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया। जी बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं।
एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट. सिंडी इन्वेंट्री वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट. सही है. द वैल्यूएशन इनकरेक्ट इंक्लूडेड इनकरेक्ट इंक्लूडेड डैमेज इन गुड्स कॉस्टिंग 300. सिंडी एस्टिमेटेड दिस गुड्स कुड बी सोल्ड फॉर 100. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अब देखें, डैमेज गुड्स से उनकी कॉस्ट क्या 300 है, और जबकि सिंडी एस्टिमेट करिए वो 100 के बिकेंगे. तो आपको इन्वेंट्री का रूल याद होगा, इट इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है. तो अब ये देखें, ये जो इन्वेंट्री डैमेज होगी इसकी कॉस्ट 300 है और इसकी रेजिडुअल वैल्यू सॉरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 100 डॉलर है. तो कौन सी लोअर है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी लोअर है, तो हम इसको 100 पे रिकॉर्ड करना चाहिए. हमने ऑलरेडी 300 इंक्लूड करे हुए इन्वेंट्री में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री की वैल्यू से मैं 300 एक्सक्लूड करूंगा, यानी 300 माइनस करूंगा और 100 शामिल करूंगा, 100 इंक्लूड करूंगा. तो 100 एक्सक्लूड करने के लिए हम इन्वेंट्री से 300 माइनस कर देंगे और 100 इंक्लूड करने के लिए 100 ऐड कर देंगे. तो नेट मेरी इन्वेंट्री 200 से माइनस हो जाएगी. बात समझ आ रही है? नेट मेरी इन्वेंट्री 200 से माइनस हो जाएगी. तो बेटा, अगर इन्वेंट्री आपकी 200 से माइनस हो जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रूल है बेटा, मतलब ये शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट. कि भाई जितने से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी ना, उतने से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा. जितने से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, उतने से आपका प्रॉफिट भी कम होगा, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट. तो अभी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 200 से कम हो जाएगी, तो बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 200 से कम होगा, फाइनल प्रॉफिट भी 200 से कम होगा. बात समझ आ रही है? और करेंट एसेट में क्या फर्क पड़ेगा? जब आपकी इन्वेंट्री 200 से कम हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट एसेट में आती है, तो करंट एसेट भी आपके 200 से कम हो जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा 7A. समझ आ गई बात बेटा? अब बेटा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ए बी स्टोर्स एट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. द ओनर इन्वेस्टेड अ फर्दर 20,000 कैपिटल. अब हमें दिखाने व्हाट वुड बी द वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल. अब बेटा अगर ओनर 20,000 इन्वेस्ट करे, सही है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. कैपिटल का तो ना करंट एसेट से ताल्लुक है ना करंट लायबिलिटी से ताल्लुक है, लेकिन बैंक का ताल्लुक है. तो बैंक पे पैसे आ रहे, तो बैंक बढ़ेगा तो आपका करंट एसेट भी बढ़ेगा, और अगर करंट एसेट आपके बढ़ेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. इस वजह से आपका वर्किंग कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगा. 2,000 वॉज पेड टू ट्रेड पेबल. अगर आप ट्रेड पेबल को पैसे दे दो, तो बैंक क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट. तो बैंक क्रेडिट ट्रेड पेबल डेबिट. तो ट्रेड पेबल को आप डेबिट करोगे तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, और बैंक को क्रेडिट करोगे तो आपका एसेट भी कम हो जाएगा. तो आपका एसेट भी कम हो रहा है, आपका लायबिलिटी भी कम हो रहा है, तो आपके ओवरऑल वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों कम हो रहे, करेंट एसेट भी और करेंट लायबिलिटी भी. इसका तो नो इफेक्ट है नंबर 2 का. अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 5,000 वॉज रीपेड. अब आपने लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर दिया, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा. तो अगेन नॉन करेंट लाइबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ योर करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी, और बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक से पैसे जा रहे, तो आपका बैंक का बैलेंस 5,000 से कम हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? 5,000 से कम हो जाएगा. तो नंबर 1 की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल 20,000 से बढ़ रहा है, नंबर 2 की वजह से 5,000 से कम हो रहा है, तो नेट आपका वर्किंग कैपिटल 15,000 से बढ़ रहा है. सो योर आंसर्स और फॉर एट शुड बी बी. सही है बेटा, क्लियर है? नाइन. सही है, समझ आ गया बेटा? 8 तक सबके समझ आ गया? प्लीज अप्लाई. सही जी सर, आ गया। है. अच्छा भाई, अनलिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. On 31 December 2019, it was used the remaining profit to pay a final ordinary share dividend. What percentage final dividend would be the ordinary shareholders receive? सही है, तो हम ये देख लेते हैं. अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमने यूज करा टू पे फाइनल डिविडेंड. प्रॉफिट कितना कमाया? 13,000. 13,000 में से 13,000 में से वी ट्रांसफर 6,000 टू जनरल रिजर्व, तो 6,000 का प्रॉफिट इसी में चले गया. फिर 3,000 का इंटरिम डिविडेंड दे दिया, तो पीछे कितना प्रॉफिट बच गया? दोनों को हटा दो तो 4,000 प्रॉफिट मिल गया. तो भाई हमें परसेंटेज में बताने कितना शेयर होल्डर ने डिविडेंड रिसीव करा. बात समझ आ रही है? परसेंटेज में बताना है. तो अगर हमें परसेंटेज में बताना है बेटा, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई शेयर होल्डर्स की? 50,000. तो हम यूँ करेंगे, 4,000 मिले ऑन 50,000, तो 4,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे, तो 8% आ जाएगा. आंसर ए हो जाएगा. या आप ऐसे भी कर सकते हो,
ये बेटा 50,000 बराबर है 100 के, तो 4,000 बराबर है एक्स के। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वर्कआउट करेंगे तो जब भी आपके पास 8% आंसर आ जाएगा। सही है। नंबर 2, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2019। व्हाट वाज द टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट? व्हाट वाज द टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट? तो बेटा टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब को शामिल कर ले तो आपके पास टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा। और बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आप परस्पेक्टिव से देखें तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अगर आप परस्पेक्टिव से देखें बेटा, तो जो चीज प्राइम कॉस्ट से पहले आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो प्राइम कॉस्ट के बाद आती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो आपको इसमें से लगने ना कॉस्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होते और प्राइम कॉस्ट से पहले पहले वो कॉस्ट इंक्लूड करते तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। सही है। सुपरवाइजर सैलरी, ये तो आपकी ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है, तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। पावर भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मशीन भी डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मशीन ऑपरेटर वेजेस तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि डायरेक्ट लेबर की जगह है ये, और रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मटेरियल की जगह, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल आ जाएगा 111,000। सही है। अच्छा भाई, जे हैड करेंट लायबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड हैड करेंट एसेट्स ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक, विच मेजर वुड इम्प्रूव हिज करेंट रेशियो? करेंट रेशियो कैसे इम्प्रूव होगा? या तो किसी तरह आपके करेंट एसेट बढ़ जाए या करेंट लायबिलिटी कम हो जाए तो आपका करेंट रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। सही है। तो भाई अगर करेंट रेशियो का यही फॉर्मूला है ना, तो अगर आप न्यूमरेटर बढ़ा दो तो करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम कर दो तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। आप देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। एडिशनल इन्वेंट्री पेइंग इन कैश, अगर इन्वेंट्री बाय करेंगे तो इन्वेंट्री बढ़ेगी जिसकी वजह से करंट एसेट बढ़ेंगे, लेकिन कैश भी तो जा रहे हैं तो कैश जाने की वजह से आपके करंट एसेट भी कम हो जाएंगे। तो एक इन्वेंट्री की वजह से करंट एसेट बढ़ रहे और कैश की वजह से करंट एसेट कम हो रहे, तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आपका करंट रेशियो वैसा का वैसा रहेगा। ड्रॉइंग्स डिक्रीज कर दो तो बेटा ड्रॉइंग्स डिक्रीज करने से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा बेटा? अगर ओनर अपनी ड्रॉइंग्स डिक्रीज कर ले तो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैश पड़ा रहेगा। क्या एंट्री होती है जब ओनर ड्रॉइंग्स करता है? कैश ड्रॉइंग्स, कैश क्रेडिट ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट ड्रॉइंग्स डेबिट। तो अगर पहले 1,000 कैश निकालना तो 1,000 कैश जा रहा था, अब अगर वो अपनी ड्रॉइंग्स लेट से 400 कर दे तो अब उसकी ड्रॉइंग 600 से कम हो गई, तो कैश भी जो बैंक से निकल रहा है या उसके कैश से निकल रहा है वो कम हो जाएगा ना, तो उसके करेंट एसेट ज्यादा पड़े रहेंगे अब, तो इसीलिए उसका करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा अगर वो पॉइंट्स अपनी कम कर दे। बात समझ आ रही? सही है बेटा। कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी सर, रिपीट कर दें या समझा दें। सही है। आई होप सबके समझ आ रहे हैं 11th का। फ्लो एंड मो, फ्लो एंड मो आर ट्रेडर सेलिंग सिमिलर गुड्स एट सिमिलर प्राइस। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सही है। तो ये आपको दिया हुआ है ग्रॉस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन दोनों का। विच ट्रेडर हैज बेटर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस? आप बेटा ये देखिए, ग्रॉस मार्जिन फ्लो का दिया हुआ है 50% और इसका दिया हुआ है 40%। आप ग्रॉस मार्जिन होता क्या है? बेसिकली ग्रॉस मार्जिन आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रॉस प्रॉफिट को। सही है। तो मार्जिन परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है, इसका मतलब सेल्स 100 है। सेल्स क्या है? 100 है। तो भाई फ्लो ने 100 की सेल्स करी और 50 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो अब आप खुद बताओ अगर 100 की सेल्स करी है और 50 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जो भी गैप है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से होता है ना। भाई हमने 100 के गुड्स बेचे, उस पर प्रॉफिट बचा $50 का, ग्रॉस प्रॉफिट $50 का, तो हमें गुड्स वो कितने के पड़े होंगे? इसका मतलब वो हमें 50 के पड़े होंगे ना। और ये हमने जो है ना गुड्स बेचे 100 के, लेकिन हमें एंड में ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 40 का बचा, तो इसका मतलब हमने 60 के गुड्स खरीदे होंगे। तो अब आप लोग बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी कम है, किसकी बेटर कंट्रोल्ड है, फ्लो की या मो की? प्लीज रिप्लाई, किसकी बेटर कंट्रोल्ड है, सर कॉस्ट फ्लो की फ्लो की? तो ए या बी आंसर होगा बेटा। सही, ए या बी। अब दूसरा देखते हैं। आप इसी तरह बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट में जो फर्क है ना वो आपका आता है एक्सपेंसिस की वजह से। इसका ग्रॉस प्रॉफिट था 50 और फाइनल प्रॉफिट है 10, तो भाई 50 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 10 का फाइनल प्रॉफिट है, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 40 का है। तो इसका मतलब 40 किधर चले गए? एक्सपेंस कवर करने में चले गए। 50 में से 40 का एक्सपेंस कवर हुआ, जब भी 10 का फाइनल प्रॉफिट बचा। और यहाँ 40 में से कितने का एक्सपेंस कवर हुआ कि भाई सिर्फ फाइनल 8 बचे आपको? तो भाई 32 का एक्सपेंस कवर हुआ ना, तो किसके एक्सपेंस कम है, फ्लो के या मो के? मो मोगे के, मो के 32% है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सही है, क्लियर है। वॉट वॉज द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज? वॉट वॉज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज?
अब लाइबिलिटीज का टोटल निकालते तो बेटा फिक्सचर तो एसेट इन्वेंट्री भी एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, ट्रेड पेबल्स आएगा, अदर रिसीवेबल भी एसेट है, अदर पेबल्स आएगा, लोन टू इमरान। अब बेटा आप लोन टू इमरान को भी इंक्लूड करोगे जबकि लोन टू इमरान लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। अगर लोन फ्रॉम इमरान लिखा हुआ होता तो लाइबिलिटी होता, लोन टू इमरान लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एसेट है। बात समझ आ रही है? लोन फ्रॉम इमरान होता तो इसका मतलब हमने लोन लिया हुआ है इमरान से, तो अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो लाइबिलिटी है, और लोन टू इमरान का मतलब हमने इमरान को लोन दिया हुआ है, और अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो वो एसेट है। समझ आ रही है? जिसको मैंने लोन दिया हुआ है वो फ्यूचर में मुझे पैसे वापसी करेगा, तो जिससे मुझे फ्यूचर में पैसे रिसीवेबल है वो एसेट है, और जिससे मुझे फ्यूचर में पैसे पे करने पेबल है वो लाइबिलिटी है। बात समझ आ रही है? तो ये नहीं इंक्लूड होगा लाइबिलिटी में, और बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी है, तो तीनों को ऐड कर दो, 4500 प्लस 3000 सॉरी 300 प्लस 1400, 4950 टू 5600 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 45 प्लस 48, 48 प्लस 52 6200 भी आपका आंसर हो जाएगा 13 का। सही है भाई? 13 भी। अब 14, केट कैलकुलेटेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ग्राफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 28400, शी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, रेंट प्रीपेड बाय केट वाज अंडरस्टेटेड बाय 1000। अब प्रीपेड रेंट अंडरस्टेटेड था, इसका क्या मतलब? प्रीपेड हमें जितना माइनस करना चाहिए था हमने उतना नहीं माइनस करा, 1000 कम माइनस करा है, तो मैं अपने पास से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे प्रीपेड आपको माइनस करना था 3000, कितना माइनस करना था 3000, लेकिन लेट से आपने माइनस कितना करा 2000, माइनस करना था 3000 लेकिन आपने माइनस कितना किया 2000 माइनस करा, अंडरस्टेटेड है ना, तो आपने 3000 की जगह, बेटा अभी मैंने समझाया इब्राहिम, लोन टू इमरान लाइबिलिटी है एसेट है, 3000 मैंने माइनस करना था लेकिन मैंने माइनस कितना करा 2000 माइनस करा, 1000 कम माइनस करे, बात समझ आ रही है? 1000 कम माइनस करे, तो अब आप मुझे बताओ 3000 की जगह अगर मैंने अपने एक्सपेंसेस सिर्फ 2000 माइनस करे हैं तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा हुआ होगा, अगर मैंने 3000 की जगह 2000 एक्सपेंस से माइनस करा है तो मेरा एक्सपेंस 1000 से बढ़ा हुआ होगा, और अगर मेरा एक्सपेंस 1000 से बढ़ा हुआ है तो मेरा प्रॉफिट 1000 से कम हुआ हुआ होगा, तो सही करने के लिए मुझे प्रॉफिट को 1000 ऐड बैक करना पड़ेगा उसमें। बात समझ आ रही है? 1000 ऐड बैक करना पड़ेगा, समझ आ रही है? एक्सपेंस से मैं मजीद यानी 1000 माइनस कर रहा हूँ बेसिकली, और एक्सपेंस से अगर मैं मजीद 1000 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट 1000 से बढ़ जाएगा करेक्टिंग करते वक्त, प्रॉफिट करेक्ट करते वक्त, तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 1000 से बढ़ेगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है, तो मैंने जैसा आपको बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री और आपका प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आपकी प्रॉफिट भी 1500 से अंडरस्टेटेड है, आपका प्रॉफिट भी 1500 से कम हुआ है, तो आप सही करने के लिए 1500 ऐड कर दोगे, तो 1000 प्लस 1500 2500, तो व्हाट वाज द करेक्ट प्रॉफिट? सर ये 1000 ऐड क्यों हुआ है, ये 1000 माइनस क्यों नहीं हुआ है, ये जरा वापस एक्सप्लेन कर लें। बेटा 1000 इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि बेटा आपने प्रीपेड क्या कर दो, आप एक्सपेंस से माइनस कर दो ना, तो आपने 3000 की जगह 2000 माइनस कर दिया, तो अब आपको नहीं लगता आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ होगा, आपका जी एक्सपेंस सर, बढ़ा हुआ होगा, अब आपको एक्सपेंस सही करने के लिए आपको एक्सपेंस कम करना पड़ेगा ना 1000 से, तो अगर आप ठीक है, एक्सपेंस सही करने के लिए 1000 से अगर एक्सपेंस कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? इसीलिए बढ़ आपका जाएगा। सही है, आपका आंसर हो जाएगा 28400 प्लस 2500, 28900, 30900, तो आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा भाई 15, अ ट्रेडर बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2940, द फॉलोइंग आइटम्स हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर इट वाज अपडेटेड, बिफोर इट वाज अपडेटेड। तो बेटा आप देखो हम कैश बुक ऐसे बनाते ना, उसका ओरिजिनल बैलेंस भी हमें यहाँ पे दिया हुआ होता है, और अब देखो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है लेकिन कोई आपको अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक वगैरह नहीं दिए हुए, बात समझ आ रही है? तो आप क्या करते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते थे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेस अनप्रेजेंटेड चेक एड अनक्रेडिटेड चेक इक्वल टू बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो मैं बोल सकता हूँ जब अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक है ही नहीं तो आपका जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है वो दोनों सेम है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक वो आपका सेम है, तो वो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस होगा, तो अगर ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस होगा तो कैरेट डाउन तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना 2940, सही है? और ये हमें खुद निकालना है। अब बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट आपका या कैश अकाउंट जो भी बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट ट्रांसफर की वजह से भी आपके पास पैसे आ रहे तो कैश बुक में ये डेबिट साइड पर आएगा, तो
2940, ये टोटल आ गया, ये भी 2940 आ गया। 2940 में से अगर आप 350 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2590। तो योर आंसर इज ए फॉर दिस। सही है बेटा, 16। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? अब बेटा इसको पढ़ने से पहले देखो, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन बनाते हैं? जो बंदा टी अकाउंट्स बना रहा है ना, उसके अलावा कोई और बंदा जो है ना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है, कोई दूसरा बंदा बनाता है। अब बेटा वो इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई पहले अकाउंटेंट से, पहले बुक कीपर से कोई गलती हो गई हो तो वो उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको सही कर ले, या फिर अगर पहला अकाउंटेंट कोई फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी वो पकड़ सकता है। बात समझ आ रही है? जब दो बंदे एक चीज चेक कर रहे होंगे ना तो हो सकता है फ्रॉड पकड़ लिया जाए, अनलेस तो वो दो बंदे एक साथ टीम अप कर ले। बात समझ आ रही है? एक बंदे का काम अगर दूसरा काम चेक कर, बंदा चेक कर लेना जो प्रोफेशनल, तो हो सकता है फ्रॉड पकड़ा जाए। तो सही है, टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट, इसका इसलिए आंसर हो जाएगा। जॉर्ज इज प्रिपेयरिंग हिज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, विच इन्फॉर्मेशन वुड ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज जर्नल? जर्नल कॉन्ट्रा एंट्रीज विद द सेल्स लेजर, बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्रीज ही आएगी जर्नल जर्नल में। बात समझ आ रही है? और कहाँ आएगी? और कहीं नहीं आ सकती ना। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स, तो परचेज रिटर्न जर्नल में आएगा, परचेज रिटर्न जर्नल। इरिकवरेबल डेट, उसका ताल्लुक ही नहीं है परचेज रिटर्न लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो भले वो आएगा जर्नल 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 में, लेकिन उसका ताल्लुक नहीं है ना बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के साथ, इसलिए उसको आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको रिफंड रिसीट, ये पैसा आपको रिसीट हो तो ये कैश से मिलेंगे, इसीलिए जर्नल जर्नल में ए आएगा और उसका ताल्लुक भी है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। सो योर आंसर इज ए। अब बेटा राशिद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 दिसंबर। मशीन एट कॉस्ट 52,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 23,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वॉज प्रिपेयर, इट वॉज फाउंड दैट मशीनरी रिपेयर कॉस्टिंग 2,000 हैड बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वॉज प्रिपेयर, इट वॉज फाउंड दैट द मशीनरी रिपेयर कॉस्टिंग 2,000 हैड बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो मशीनरी अकाउंट में हमने क्या करा, बेसिकली रिपेयर्स करवाए ना, उसको भी मशीन कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया, तो मेरी मशीन कॉस्ट 2,000 से बढ़ी है ना, तो नजर आ रहा है 2,000 से बढ़ी है, तो होनी चाहिए थी 50,000, लेकिन है कितनी 52,000। तो बेसिकली मैंने परसेंटेज भी डेप्रिसिएशन की 52,000 पे लगा दी होगी, तो मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हो गया होगा, तो मैंने इसका 20% निकाला होगा, तो डेप्रिसिएशन 10,400 होगी मेरी, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, इसका 20% होनी चाहिए थी, विच इज हाउ मच 10,000। तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसको हटाऊंगा और इसको डाल दूंगा, तो -10,400 +10,000, तो बेसिकली नेट आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट से 400 कम हो जाएंगे, तो अब आपका करेक्ट बैलेंस होगा 22,600। तो योर आंसर इज बी। सही है, क्लियर है? सही है, सबके समझ आ रहे बेटा? 18 तक समझ आ गया सबके? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। निर्मल सेल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट जी एंड प्रोडक्ट एच। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट हिज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सही है, 1,000 यूनिट्स जी के और एच के, 800 यूनिट्स, और आपको रूल पता है इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब बेटा जी की देखे कॉस्ट 2 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2.5 है, कौन सी लोअर है? कॉस्ट, तो हम इसको 2 पर ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बेटा जी के साथ मसला ये कि 100 यूनिट्स जो जी के ना वो डैमेज हो गए और अनसेलेबल। अनसेलेबल का मतलब अब आप उनको बेच नहीं सकते, यानी वो जीरो में बिकेंगे। तो बेटा 100 यूनिट से उनकी सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो जीरो है, लेकिन उनकी कॉस्ट 2 है, तो बेटा ये जो 100 यूनिट्स है ना, फिर आप इनको जीरो पर वैल्यू करोगे, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बाकी जो रिमेनिंग 900 यूनिट्स है ना, 900 यूनिट्स, उनको 2 के हिसाब से आप रिकॉर्ड करोगे, तो 900 × 2 हो जाएगा। आप एच पर आओ, एच की कॉस्ट ज्यादा है लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोअर है, तो ये 1.2 पर रिकॉर्ड होगा, तो 800 × 1.2 जब आप करेंगे तो 960 आ जाएगा, तो 1800 ए और 960 वो, तो आंसर आपका हो जाएगा 2760। 19B। अच्छा बेटा, अब ये द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पीटर एंड्स ऑन 30 सितंबर। ऑन 1 August 2020 पीटर रिसीव रेंट 1,000, दिस कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 July to 30 November 2020, विच एंट्री विल बी मेड इन द पीटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑन 30 सितंबर। तो बेटा उसने जो रेंट किया वो जुलाई से लेकर नवंबर तक है, तो आप काउंट करो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 5 मंथ्स बनते हैं, 5 मंथ्स का है। और कितना दिया है? 5 मंथ्स का 1,000, तो अगर 5 मंथ्स का 1,000 है तो 1 महीने का कितना है? 1,000 / 5 = 100। और सितंबर को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो अगर सितंबर के बाद का अभी से रेंट हमें मिल गया है,
अगर सितंबर के बाद का रेंट अभी समय मिल गया है तो इसका मतलब वो हमें एडवांस मिला है, प्रीपेड मिला है। सितंबर के बाद काउंट करो, अक्टूबर और नवंबर का आपको एडवांस मिल गया, तो 1 महीने का अगर 200 होता है तो 2 महीने का कितना होता है 400। इसका मतलब आपको 400 एडवांस मिल गया है, आपको इनकम एडवांस में मिल गई है। और आपको पता है प्रीपेड इनकम क्या होती है, वो करेंट लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट होता है, लेकिन प्रीपेड इनकम क्या होती है, करेंट लायबिलिटी होती है। सो योर आंसर शुड बी सी। सही है। 20 तक किसके प्रॉब्लम है तो बेटा बताए, 20 तक सबके क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा नंबरिंग आउट हुई है, मैंने मार्किंग स्कीम भी बनाई हुई ना, उसके अंदर 20 के बाद 21 पे स्क्रिप्ट लिख दिया है, थोड़ी मैंने बनाते हुए नंबरिंग आउट कर दी थी, बाद में नोट किया आंसर कंपाइल करते हुए, तो 20 के बाद डायरेक्ट 22 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। एंथनी डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ही क्लोज इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंसेस एंड विशेस टू कैलकुलेट हिज कैश सेल्स, विच आइटम एंथनी नॉट नीड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हिज कैश सेल्स। तो बेटा उसको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा कैश सेल्स के लिए, क्योंकि तो उसको ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस पता है। तो बी डी यहाँ पर आ जाएगा, सी डी यहाँ पर आ जाएगा, और जो जो एंट्रीज कैश अकाउंट में आएगी वो आ जाएगी, और सेल्स यहाँ पर आ जाएगी, तो ये वैल्यू वो खुद निकाल लेगा कैश सेल्स। सही है। अगर सारी कैश अकाउंट में वैल्यूज उसको पता हो तो फिर कैश सेल्स खुद निकाल सकते हैं ना। तो कैश बैंक, बैंक में कितना कैश जमा कराया तो बैंक में पैसे चले गए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कैश डिस्काउंट। अब बेटा जो कैश डिस्काउंट है ना, ये कैश कैश अकाउंट में नहीं आता, आप खुद बताओ, जब आप डिस्काउंट देते हो तो एंट्री क्या करते हो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, और जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और सप्लायर डेबिट। तो अब आप इस जर्नल एंट्री पर गौर करो बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कस्टमर क्रेडिट, क्या इस जर्नल एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, क्या कैश इन्वॉल्व है बेटा, रिप्लाई करो सब, क्या इस जर्नल एंट्री में कैश इन्वॉल्व है? जी मैं आपसे जो एंट्री बोल रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है या नहीं? कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है ना, तो जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो कैश अकाउंट में ही नहीं आएगी, तो इसका मतलब हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए जब ये चाहिए नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं कैश सेल्स के लिए, बात समझे? तो भी आंसर हो जाएगा। ड्रॉइंग्स भी देख रहे हो यहाँ पर आएगी, कैश ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस भी यहाँ पर आएंगे, तो ये वैल्यूज आपको पता होगी तो फिर आप कैश सेल्स कैलकुलेट करते हो। डिस्काउंट अलाउड तो आ ही नहीं रहा अकाउंट में, तो उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। सही है। अ ट्रेडर हैज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हाउ कैन शी कैलकुलेट द क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर? तो कैसे कैलकुलेट कर सकती हो क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर? तो बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकती है, अब देखो इसमें हमें चार चीजें नजर आ रही है, डिस्काउंट अलाउड, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, रिसीट्स। तो हम एक काम करते, उसका फॉर्मेट बना लेते, जब भी फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ना हो, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, तो कंट्रोल अकाउंट बनाना होता है ना। और आपको पता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का एसेट का अकाउंट है, और एसेट का बैलेंस भी यहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल एट स्टार्ट है, क्रेडिट सेल्स बेटा आपकी यहाँ पर आ जाती है, सब फॉर्मेट में, तो ये आपको खुद निकालनी है, और आपके डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर आ जाएगा, और बैंक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब आप बॉक्स कैसे निकालोगे? तो बेटा अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, ये जो आंसर आएगा ये यही आंसर बन जाएगा ना, और इन तीनों को जो ऐड करके आंसर आया उसमें से फिर आप ये बी डी माइनस करोगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी ना। तो आप ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिस्काउंट अलाउड और रिसीट या बैंक वगैरह ऐड हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो रहा है और ओपनिंग माइनस हो रहा है, यानी बस ओपनिंग माइनस हो रहा है बाकी सब ऐड हो रहा है, तो डी ऐसा आंसर है, तो डी में ऐड हो रहे और सिर्फ ओपनिंग माइनस हो रहा है, योर आंसर इज डी। अब 24, अ ट्रेडर मेड द फॉलोइंग फोरकास्ट फॉर द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, व्हाट आर द फोरकास्ट सेल्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? तो बेटा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ, इसका क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको नहीं पता, एक्स रख लेता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, एक्स आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 480,000, 480,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और बेटा मैंने आपको मार्कअप का बताया था क्लास में, जब भी आप वर्ड मार्कअप देखो तो ये फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, और जब भी वर्ड मार्कअप देखो तो कॉस्ट हंड्रेड हो जाएगी, और जब भी वर्ड मार्जिन देखो तो सेल्स 100 हो जाएगी। अभी हमने वर्ड मार्कअप देख लिया तो कॉस्ट 100 हो जाएगी, मार्कअप की जगह ये प्रॉफिट 25 आ जाएगा और सेल्स 125 आ जाएगी फिर। सही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स ऐसा आ गया। अब आपको पता है
पता है, तो 100 बराबर है, हम बोलेंगे 480,000 के, और मुझे सेल्स निकालनी है, तो 125 के बराबर है ना सेल्स, तो 125:x। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 100x = 125 × 480,000, x = 125 × 480,000 / 100। आप बेटा ये करोगे तो आपकी सेल आ जाएगी 600,000। सो योर आंसर इज डी। अ ट्रेडर वांट्स टू इम्प्रूव हिज ग्रॉस मार्जिन, हाउ कैन दिस बी डन। ग्रॉस मार्जिन क्या होता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट अपना इम्प्रूव करना है तो किसी तरह सेल्स बढ़ा दो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर दो। सेल्स बढ़ा दो या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर दो। तो देखते हैं इसमें से किसका ताल्लुक सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स से। एडमिन एक्सपेंस, इसका तो ताल्लुक है ही नहीं, एडमिन एक्सपेंस तो नॉर्मल एक्सपेंसेस में आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट ही नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन भी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है, उसको अफेक्ट नहीं करेगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बेटा आपका एक्सपेंस है, ये भी नॉर्मल एक्सपेंसेस में आता है, तो ये भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आप रिड्यूस कर दो ट्रेड डिस्काउंट को, तो बेटा अगर आप ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस कर दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी ना। मिसाल के तौर पे कस्टमर गुड्स लेने आया $1,000 के, आप पहले देते थे 10% डिस्काउंट, तो आप उसको गुड्स बेचते थे $900 के, और अब आपने बोला सर महंगाई हो गई है, अब मैं आपको सिर्फ 5% रेट डिस्काउंट दूंगा, तो अब मैं आपको 900 के गुड्स नहीं 950 के बेचूंगा। तो जब मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया तो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव कर जाएगा। सो योर आंसर इज डी, 25 बी। जी भाई, 25 तक किसी के कुछ प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताएं, मैं वापस रिपीट कर दूंगा उनको। जी बेटा जो भी बैठे हुए प्लीज मुझे रिप्लाई कर दें, 25 तक कोई मसला तो नहीं है। आसान लोग, ये लोग अब तक आए कि नहीं है? क्या चीज सुनिए बेटा, सुनिए बेटा, नहीं है तो क्या बोलिए बेटा? नहीं, तो बात आना होगा। अच्छा भाई, इसके बाद मीशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर आर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। इन अ सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग मीशा रिड्यूस द सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड 1500 यूनिट्स। हर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 250, देर वॉज नो चेंज इन द कॉस्ट पर यूनिट। वॉट वॉज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इन द सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग? तो भाई उसने क्या करा, अपनी सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी, और कितने यूनिट्स बेचे? 1500। कितने यूनिट्स बेचे? 1500 यूनिट्स बेटा बेचे। तो 1500 यूनिट्स अगर बेचे हैं और सेलिंग प्राइस कम कर दी, हमें नहीं पता सेलिंग प्राइस क्या है नहीं, तो मैं बोल देता हूँ नई सेलिंग प्राइस हमारी एक्स है, और 1500 यूनिट्स बेचे, तो 1500 × x अगर करेंगे तो आपको रेवेन्यू पता चल जाएगा ना, तो हमारा रेवेन्यू आ रहा है 1500 x, और देर वॉज नो चेंज इन द कॉस्ट पर यूनिट, यानी पहले भी एक यूनिट 4.5 का आ रहा था, अभी भी 4.5 का ही आ रहा है, तो 1500 यूनिट 4.5 के हिसाब से कितने के पड़ेंगे बेटा? तो ये पड़ेंगे 6750 के, तो 6750 माइनस हो जाएगा, और अब लिखा हुआ है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया 250 से, तो पहले 5500 का ग्रॉस प्रॉफिट, तो 250 से डिक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा? 5250। तो ये अब आपके सामने इक्वेशन आ गई, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली लिखो 1500 x - 6750 = 5250, तो 1500 x = 12,000, और एक्स 1500 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स आपका 8 आ गया। सही है, तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 8 है, और आप कितने यूनिट बेच रहे हो? 1500, तो 1500 × 8 कितना आ जाएगा? समझ नहीं आया किसके नहीं समझ आया? सर मेरे। आप देर से आए हो ना बिल्कुल, जी सर अभी अभी आए हैं। तो अभी अभी आया ना आप रिकॉर्डिंग पे। सही है, देख लेंगे। सही है, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा? 1500 × 8 12,000 हो जाएगा। अब लिखा हुआ है एबी लिमिटेड एंड सीडी लिमिटेड बोथ स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 विद एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ $1,000, $100,000। 90 नाइदर कंपनी है डिवेंचर। सही है, ठीक है, पेंसिल को चार्ज कर। नाइदर कंपनी हैड एनी डिवेंचर्स और लोन, बोथ कंपनी हैड द सेम प्रॉफिट इन 2019, ओनली ए बी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड। तो बेटा दोनों ने सेम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से स्टार्ट करा, दोनों का प्रॉफिट भी सेम है, बस फर्क ये कि ए बी लिमिटेड ने डिविडेंड दिया
और सीडी लिमिटेड ने नहीं किया। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज कैलकुलेटेड यूजिंग रिटर्न ऑन यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी का फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, अगर आप लोग रिकॉल करोगे सर? तो बेटा इसका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के केस में क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, और फिर इसको मजे 100 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो बेटा अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप चाह रहे हो, आपका हायर हो सही है, तो आपका या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए या फिर ये आपका डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर कम है तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आएगा, बात समझ आ रही है? तो अब आप ऑप्शन पढ़ने से पहले खुद सोचो बेटा, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पीछे उसका प्रॉफिट ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, प्लीज रिप्लाई करो। रिटेन अर्निंग वही होता है ना कि कितना प्रॉफिट पीछे रह गया बिजनेस का, रिटेन अर्निंग का मतलब यही है कि कितना प्रॉफिट पीछे रह गया। अगर कंपनी डिविडेंड दे दे तो पीछे कम प्रॉफिट रह जाएगा या नहीं, तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी या नहीं? तो बेटा अगर आपकी रिटेन अर्निंग कम हो गई तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। तो अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या डिनोमिनेटर कम हो गया तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, बात समझ आई? तो डिविडेंड देने की वजह से एपी लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो जाएगा, जबकि सीडी लिमिटेड ने क्योंकि नहीं दिया तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, सही है? तो हम देख लेते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट एपी लिमिटेड आरओसी इज करेक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सीडी लिमिटेड। इट इज हायर बिकॉज द डिविडेंड रिड्यूस रिटेन अर्निंग, बिल्कुल डिविडेंड देने की वजह से रिटेन अर्निंग रिड्यूस हुई तो डिनोमिनेटर कम हो गया, और डिनोमिनेटर कम हुआ तो आरओसी आपका बढ़ गया। तो यस दिस इज करेक्ट भाई, अच्छा एमसीक्यू था 27। सबके समझ आया ए या नहीं समझ आया? जी बेटा प्लीज रिप्लाई करें, सबके समझ आया? जी सर, आ गया। सही है बेटा, सही बेटा, बाकी रिप्लाई नहीं कर रहे, एक दो लोगों ने रिप्लाई किया। सही है बेटा, व्हाट इज नॉट एन एम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं, सारे बड़े अकाउंटेंट दुनिया के मिलकर बैठते हैं और वो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ताकि हर कोई जो ना सेम सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथडोलॉजी सेम फॉर्मेट फॉलो करे, ताकि अगर अपने रिजल्ट्स वगैरह कंपेयर करें, अपने फाइनेंशियल्स कंपेयर करें, तो कम से कम फर्क हो और उनको आपस में कंपेयर कर सके, सही है? और उनको आपस में कंपेयर कर सके और सारी दुनिया के आपस में जो ना फॉर्मेट मिलते जुलते हो। और इसके अलावा भाई जब ये स्टैंडर्ड्स बने हुए होंगे ना तो ज्यादा मैनिपुलेट भी नहीं कर सकती कंपनी, सही है? मैनिपुलेशन के दरवाजे भी कम हो जाते, तो इसमें से देखते क्या आंसर लग रहा है। टू इंश्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्री एग्री, सही है, हम सेम पेज पर आना चाहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही चाहते हैं। तो बिल्कुल ये होगा टू स्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स इन एवरी कंट्री। तो बेटा ये तो फायदा ही नहीं, अगर हर कंट्री में अपने स्टैंडर्ड्स होंगे तो फिर हर किसी किसी के फाइनेंशियल हर कंट्री वाइज अलग अलग होंगे, तो फिर आप कंट्री वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं होगा। टू मेक इट इजियर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ कंपेरिजन आसान हो जाएगा जब सब एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। रिड्यूस वराइटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, सही है ना, हर कोई सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहा होगा, हर कोई बाउंड हो जाएगा सेम प्रैक्टिस से अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन जाए, इसीलिए वराइटी भी कम हो जाएगी, तो ये भी सही है। तो दिस इज नॉट एन एम, बी इज नॉट एन एम ऑफ 28 आंसर का बी हो जाएगा। व्हाट वॉज द टोटल ऑफ लाइबिलिटी? तो बेटा ये रिपीट हो रहा है, मैं कर चुका हूँ पहले भी, 30 भी रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, 31 पे आ जाओ। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st August 2020 अ ट्रेडर हैड प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ विल दिस अपियर इन द इंश्योरेंस अकाउंट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st August 2020, कैसे नजर आएगा? सही है, साल के आखिर में प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, आपको पता है बेटा साल के आखिर में अगर प्रीपेड इंश्योरेंस हो, एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, POOP, तो साल के आखिर में प्रीपेड कैरेट डाउन यहाँ पर आता है ना, क्रेडिट पर, तो हमसे वो कैरेट डाउन ही पूछ रहे बेटा, कैरेट डाउन। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का कैरेट डाउन साल के आखिर में कितना आ रहे है? देख रहे हो, क्रेडिट पर आ रहे हैं।
आंसर ए होगा या बी होगा। क्रेडिट पर आ रहे और प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है किधर आते हैं, करंट एसेट में आते, तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद पहले इस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 सितंबर 2020 शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, विच जर्नल एंट्री वुड बी मेड ऑन 30 सितंबर 2020। तो बेटा ये भी देख लेते हैं, हम अकाउंट बना लेते हैं, काम करते इनकम का, तो आपको पता है कैसे बनता है, ओ पी पी ओ, बैंक यहाँ पर आ जाएगा और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। सही है, शुरू में अक्रूड है तो 480 यहाँ पर हो जाएगा, ओइंग और अक्रूड एक ही चीज है। 6800 रिसीव हुए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बैंक की वैल्यू है। रेंट रिसीव इन एडवांस तो ये 720 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हम खुद निकाल लेंगे तो ये 6800 है, ये भी 6800 हो जाएगा। 6800 में से आप 720 और 480 माइनस करें तो 800 1200, 6600 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये किधर आ रहे हैं, रेंट रेंट के अकाउंट में डेबिट पर आ रहे हैं, तो रेंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, रेंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा 56। सही है, 32 का सी हो जाएगा। अब 33, अ पार्टनरशिप मेंटेन्स बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, एंड इन एक्सपीरियंस बुक कीपर प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट विच कंटेन्स एरर, विच कंटेन्स एरर। समझ आ रही है? तो बेटा अब हमें एरर देखना है, व्हाट शुड बी अपियर एज द क्लोजिंग बैलेंस। सही, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा ओवन के अकाउंट का, लोन मेक टू बैलेंस बीटी कितना है 100,000, लोन मेक टू पार्टनरशिप। अब बेटा लोन पार्टनरशिप को दिया है, जितना भी दिया हो भाई, लोन जो है ना एक्सटर्नल मामला है, लोन पार्टनर से लिया हो या पार्टनर को दिया हो। सही है, तो ये उसका ताल्लुक पार्टनर के अकाउंट के साथ नहीं है, लोन की हम ट्रीटमेंट उसी तरह करेंगे जैसे किसी और बंदे से लिया हो, तो लोन अकाउंट तो नहीं आएगा इसके अंदर। सही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं आएगा क्योंकि ये करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, तो ये दोनों एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो जब ये दोनों एक्सक्लूड कर दूंगा तो जो बैलेंस बीडी है वही आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा 100,000। तो आपका बैलेंस बीडी भी अगले साल के लिए क्या हो जाएगा 100,000, तो क्लोजिंग बैलेंस वही आएगा जो ओपनिंग बैलेंस है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 33 भी। समझ आ गई? क्लियर है? मैं समझ नहीं आ रहा। भाई अब्दुल मोइज आप बताओ बेटा, लोन आप कैपिटल अकाउंट में शो करोगे या नहीं? मैंने बोला बेटा लोन कोई भी दे, पार्टनर दे या कोई और दे, लोन आएगा ही नहीं कैपिटल अकाउंट से, पार्टनरशिप से ताल्लुक ही नहीं है, समझो। तो क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में ओनर पार्टनर के? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, नहीं सर लोन तो नहीं आएगा ना। आएगा तो उसको हटा दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद बताओ, आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हो या करेंट अकाउंट में? सर क्या आप करंट अकाउंट में देखते हैं ये जो दोनों नहीं आएंगे ना यहाँ पर, जब ये जी? दोनों आप हटा दोगे तो बैलेंस बीटी 100,000 है, और कुछ बचा है? नहीं बचा, नहीं तो ओके बैलेंस बीटी 100,000 ही आएगा ना, इसीलिए सर आपका सही आंसर 100,000 ही होगा। समझ आई? सही सर। अ स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्मड ऑन 1 सितंबर 2019, व्हाट मे अपियर इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट होता है, बात समझ आ रही है? तो बैंक अकाउंट क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा बिल्कुल, तो ए ही आंसर होगा। इन्वेंट्री आपको पता है यहाँ पे नहीं आती बैंक अकाउंट के अंदर, ना डेप्रिसिएशन आती है ना सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स आते हैं। समझ आ रही है? जो चीज़ आपको बैंक अकाउंट में नजर आती है जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव या पेमेंट टू सप्लायर्स, इस तरह की चीजें, वो सब आती है बैंक अकाउंट में, जिसमें आपके पास पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, या फिर बैंक अकाउंट का अपना बैलेंस, बस वो आता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अ मैन्युफैक्चरर्स वर्क इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 850, एट द एंड इट वाज 10,200, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा 850, आपको पता है आप जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हो, 850 ऐड होगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हो। ऐसा होगा सही है, तो आप टेक्निकली कितने माइनस करोगे अगर आप निकालो? 850 आप ऐड करोगे, 10,200 माइनस करोगे, तो टेक्निकली आप 9,350 अपने माइनस करोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करोगे नेट में, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो जब आप इनकम स्टेटमेंट में परचेसेस की जगह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो कम आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जी डिक्रीज हो सर। जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हाँ, होगी। तो 35 भी। अब लिखा हुआ है ट्रेडर वॉन्ट टू इम्प्रूव हिज ग्रॉस मार्जिन, अब ग्रॉस मार्जिन कैसे बढ़ाए? अगेन ग्रॉस मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह बढ़ जाए, या तो किसी तरह सेल्स बढ़ जाए या तो किसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाए, तो ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाएगा। सर ए आंसर है इसका। तो बेटा एडमिन एक्सपेंस से कुछ भी नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, एडमिन एक्सपेंस से कुछ ताल्लुक नहीं है इसका, क्योंकि बेटा एडमिन एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस में आते हैं, तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट पर।
डिस्काउंट अलाउड भी आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस में आता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल एक्सपेंसेस में ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आता है। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट से फर्क पड़ेगा। जब आप ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने समझाया अभी आई थिंक प्रीवियस एमसीक्यू में समझाया, जब आप ट्रेड डिस्काउंट कम कर दोगे तो अब आप सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपकी सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो गई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया तो सेल्स भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आंसर डी होगी। हाँ भाई, 37। जैक हैज डेप्रिशिएटेड हिज मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन 31 दिसंबर 2019, जैक वॉज कंसिडरिंग कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम एट द नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब ही इज कंसिडरिंग कि वो नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पर डेप्रिशिएट करें, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करें। तो बेटा अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेगा तो डायरेक्ट 30,000 का 20% निकालेगा, विच इज हाउ मच, 6,000। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेगा तो 18,000 का 20% निकालेगा, विच इज हाउ मच, 3,600। अब बेटा अब यहाँ देख रहे हो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का जिक्र हुआ है आंसर्स में। तो बेटा इफ यू गो बाय कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इस केस में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ही यूज होता है कि भाई जब भी आप डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज करो तो आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पॉलिसी चेंज करने से रोकता है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है कि भाई जो भी आपने एक दफा पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, अब आप वही थ्रू आउट द ईयर यूज करते रहोगे, उसको फजूल में आप चेंज नहीं करोगे। तो हम बोलेंगे भाई हम 6,000 से ही मशीन को हर साल डेप्रिशिएट करेंगे फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 37 का। 38। जे इज अ मैन्युफैक्चरर, ऑन फर्स्ट फेब ही परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 15,000 फ्रॉम विनीता। ही पेड 10,000 इमीडिएटली विद अ चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन जून। विच एंट्री डिड जे मेक ऑन 1 फरवरी। तो भाई मशीन खरीदी है उसने 15,000 की, एंट्री देखते हैं क्या क्या हो जाएगी। मशीन डेबिट हो जाएगी 15,000 से जब मशीन खरीदी है। और देखो उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे दिए। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे बैंक क्रेडिट होगा, बेटा बैंक क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट से तो कोई पैसे जा ही नहीं रहे। बिजनेस के बैंक अकाउंट से कोई पैसे नहीं जा रहे, इसलिए बैंक क्रेडिट नहीं होगा, उसके पर्सनल अकाउंट से जा रहे। तो जब भी बेटा अगर उसके पर्सनल अकाउंट से पैसे जा रहे तो इसका मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है बिजनेस में। अगर वो बिजनेस के यूज के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे रहा है तो इसका मतलब वो अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो ओनर की तो कैपिटल क्रेडिट होता है। अगर ओनर बिजनेस में किसी वजह से इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, और पैसे निकालता है तो ड्रॉइंग्स बढ़ती है, ड्रॉइंग्स डेबिट होती है। तो 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ी है, और 5,000 क्योंकि बाद में विनीता को दे रहे तो 5,000 बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो 5,000 से विनीता क्रेडिट हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 38। डी सही है बेटा, 38 सबके क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। बेटा सर ये कैपिटल वाला समझ नहीं आया। आप खुद बताओ ना भाई, ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे दिए, क्या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे गए? तो नहीं बिजनेस का बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता। अब बेटा ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से बैंक अकाउंट से किसी चीज के बिजनेस के काम के पैसे दे दिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ गई? अब सभी सही है, जी, बढ़ अगर गई उनकी उसकी। इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो जी कैपिटल सर, क्रेडिट होगा ना। बात समझ आ गई? समझ आ गई? जी सर, आ गई सर। सही है। बेसिकली बेटा अगर वो पैसे देता तो आप एंट्री करते बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब उसने पैसे नहीं दिए, कोई और एसेट की मद में कुछ बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर दिया ना, आप समझे उसने मशीन की पार्शियल पेमेंट कर दी अपने पास से। एक तरीके से वो मशीन दे रहा है बिजनेस को अपने पास से 2/3, मशीन की 10,000 डेबिट और कैपिटल 10,000 क्रेडिट। बात समझ आ रही है? जी सर, आ दक्षा रिटर्न गुड्स टू आमिना, विच एंट्री से दक्षा मेक इन हर बुक्स। तो भाई दक्षा ने गुड्स रिटर्न कर दिए किसको? आमिना को। दक्षा ने क्या करे, गुड्स रिटर्न कर दिए किसको? आमिना को। सही है, तो परचेज रिटर्न देना ये, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट और आमिना डेबिट, आमिना सप्लायर है, आमिना डेबिट हो जाएगी। सही है। अब बेटा आप लेजर भी यहाँ पे दिए हुए, अब आपको पता है 3 लेजर होते हैं, परचेज लेजर, सेल्स लेजर और जनरल लेजर। परचेज लेजर में उन इंडिविजुअल लोगों के अकाउंट आते हैं जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे, यानी सारे क्रेडिट सप्लायर के। और सेल्स लेजर में उन इंडिविजुअल लोगों के अकाउंट आते हैं यानी जिनको हमने उधार पे गुड्स बेचे, यानी सारे क्रेडिट कस्टमर्स। और बाकी जितने भी टी अकाउंट्स है वो जनरल लेजर में आते हैं, चाहे वो सेल्स का टी अकाउंट हो, सेल्स रिटर्न का हो, एक्सपेंस का हो, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का हो, ड्रॉइंग्स का हो, किसी का भी अकाउंट। सही है, तो आमिना डेबिट हो रही है और आमिना सप्लायर है, आमिना का अकाउंट आ जाएगा परचेज लेजर में, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। और परचेज रिटर्न का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है और वो आ जाएगा जनरल लेजर में, इसलिए आंसर बी हो जाएगा।
39 भी हो गया। विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल जर्नल, कौन सी ट्रांजेक्शन जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड होती है? तो भाई कौन सी करेक्शन ऑफ एरर्स, कोई भी हम एरर्स करेक्ट करें तो वो जर्नल जर्नल के थ्रू सही होगा, तो ये होगा। बाकी हम एलिमिनेट कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स इन कैश, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है तो कैश बुक में आएगा, यहाँ पे चेक इन्वॉल्व है कैश बुक में आएगा, यहाँ पे गुड्स ऑन क्रेडिट तो ये परचेज बुक में आएगा, तो बस ये तीनों तो एलिमिनेट होगा, तो यही बच गया, बस यही आएगा जनरल जनरल 48। अच्छा भाई, इसके बाद रमिंदर मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इंटरेस्ट सिस्टम, द मंथली इंटरेस्ट ऑफ 250 इज रिस्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। इन जनवरी द पेटी कैश शी हैज स्पेंट 105 एंड अ रिफंड ऑफ 15 फ्रॉम अ स्टेशनरी सप्लायर, ऐसे ही, एंड रिसीव्ड अ रिफंड फ्रॉम 15 फ्रॉम अ स्टेशनरी सप्लायर। हाउ मच वॉज गिवन टू द पेटी कैशियर ऑन फर्स्ट फेब टू रिस्टोर द इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है? तो भाई शुरू में 250 पड़े हुए थे बैंक अकाउंट में, बात समझ आ रही है? 105 उसने स्पेंड कर दिए, तो 105 अकाउंट से चले गए और 15 वापसी आ गए, तो 15 ऐड हो गए। तो अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो उसके अकाउंट में महीने के आखिर में कितने बचेंगे? वन सिक्सटी पड़े हुए थे ना भाई, उसके अकाउंट में कितने पड़े हुए थे? वन सिक्सटी पड़े हुए थे, बात समझ आ रही है? तो पहले से अगर 160 उसके अकाउंट में पड़े हुए, तो आप उसको मजीद कितने पैसे ऐड करने चाहिए कि वो 250 पर पहुंच जाए? रिस्टोर इंटरेस्ट का मतलब यही होता है ना कि भाई जब भी साल महीना शुरू हो, अगला महीना शुरू हो, तो महीने के शुरू में 250 पड़े हुए होने चाहिए, तो 160 तो बेटा लास्ट मंथ के उसके बाद बच गए, तो आप और कितने पैसे प्लग इन करें कि 250 तक पहुंच जाए? तो अगर आप डिफरेंस निकालो 250 और 160, तो भाई 90 और डालने पड़ेंगे ना, ताकि रिस्टोर इंटरेस्ट रिस्टोर हो जाए, वो 250 पर आ जाए। आंसर 41 का ए हो जाएगा। सही है बेटा, क्लियर है 41 तक सबके? प्लीज रिप्लाई करो जल्दी। अच्छा भाई, राज इज बोथ अ कस्टमर ऑफ एंड अ सप्लायर टू बलबीर। राज अकाउंट इन बलबीर सेल्स लेजर अकाउंट सेल एज शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 300, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 100 ऑन लार्ज अकाउंट द परचेस लेजर, अ कॉन्ट्रा एंट्री बिटवीन द टू अकाउंट्स वाज अग्री। अब देखो भाई, बलबीर की बुक्स में राज जो है ना कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो एज अ कस्टमर उसका अकाउंट कुछ इस तरह है बुक्स में। एज अ कस्टमर उसका अकाउंट उसकी बुक्स में इस तरह है बेटा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट राज का एज अ कस्टमर डेबिट बैलेंस है यहाँ पे 300, और एज अ सप्लायर उसका अकाउंट इस तरह है। सही है, राज सप्लायर भी है और बलबीर के लिए कस्टमर भी है 100। तो बेटा ये वाला अकाउंट तो ये बता रहे हैं कि भाई बलबीर यानी जिसका बिजनेस है उसको 300 रिसीव करने हैं राज से, और ये अकाउंट ये बता रहा है सप्लायर वाला, ये लाइबिलिटी है क्या भाई, हमें 100 जो ना राज को पे करने हैं। एक अकाउंट बता रहा है 300 रिसीव करने और एक अकाउंट बता रहा है 100 पे करने, तो नेट मैं बोल सकता हूँ 200 रिसीव करने भाई बलबीर से। तो भाई सेट ऑफ में होता क्या है, मैंने क्लास में भी पहले समझाया है, सेट ऑफ में ये होता है जो भी छोटा वाला अकाउंट है ना आप उसको क्लोज कर दोगे, जो भी छोटी अमाउंट वाला अकाउंट है, एक में 300 एक में 100 है, तो हम 100 वाला क्लोज कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्रेडिट पर 100 मौजूद है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये अगर डेबिट होगा 100 से, तो वो 100 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर सप्लायर वाला अकाउंट 100 से डेबिट हो रहा है, तो वो वाला अकाउंट 100 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ वो वाला अकाउंट 100 से डेबिट हो जाएगा। हंड्रेड से वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सही है बेटा, तो आप देख रहे हो, आप 100 से एंट्री कर रहे हो, 100 से, तो जो एंट्री आपको सप्लायर में नजर आ रही है वही एंट्री आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में करोगे, और जो एंट्री यहाँ पे नजर आ रही है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में करोगे। तो आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितने से डेबिट कर दोगे? 100 से डेबिट कर दोगे बेसिकली, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, 42C। अब 43,
43 बेटा। हाँ भाई, तो अब आपको ये बताना है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट आपको दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविजन का। तो अब आप ट्रेड रिसीवेबल देखो, शुरू में थे 30,000 और आखिर में थे 22,000, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल बड़े या कम हुए? 30,000 से 22,000 होगा, इसका मतलब डिक्रीज हुए, तो ए या बी आंसर होगा, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए। अब रेट, अब देखो रेट को उसने हाईलाइट किया, वो रेट पूछ रहा है आपसे, बैलेंस नहीं पूछा कि बैलेंस बढ़ा या कम हुआ है। रेट का मतलब परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है, तो अब हमें खुद निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालते हैं हम, जो भी साल के शुरू में ट्रेड रिसीवेबल है, लेट से 30,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज मुझे नहीं पता, तो मैं खुद निकाल देता हूँ, एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 1200। तब आप एक्स के लिए सॉल्व कर लो, तो 30,000, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 300 एक्स इक्वल टू 1200 आ जाएगा सर, बेटा। परसेंट क्यों निकाला? क्योंकि रेट है, रेट का मतलब परसेंटेज का आपको डिफरेंस बताना है, समझ आ रही है? तो ये 4% आ जाएगा। और इसी तरह इस पे निकालो आप, 22,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1100, तो ये 2 0 कैंसिल, 220 एक्स इक्वल टू 1100, एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो शुरू में परसेंटेज थी 4% और ये बाद में हो गई 5%, तो रेट बढ़ा है परसेंटेज या कम हुआ है? बढ़ा है ना, 1% से इंक्रीज हुआ है, तो आंसर भी हो जाएगा। सही है बेटा। अब 44, विनीता क्रेडिट कस्टमर पेड द अमाउंट ओइंग इन कैश आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, हाउ डज विनीता अफेक्ट विनीता फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, अगर डिस्काउंट दिया है विनीता ने अपने कस्टमर को, सही है, कस्टमर को अगर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट किधर आता है, एक्सपेंसिस में आता है ना, डिस्काउंट किधर आता है, एक्सपेंसिस में आता है, डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड किधर आता है, एक्सपेंसिस में आता है। तो अगर डिस्काउंट अलाउड की वजह से आपके एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो बेटा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके जो कस्टमर अगर आपको पैसे दे देगा, आपके कस्टमर आपको पैसे दे देगा, बात समझ आ रही है, उसकी वजह से आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, सही है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और करंट एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए। फोर्टी 45, राज एंड रोहित आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, राज इज एंटाइटेड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 3,000, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 14,100, इन 1 जनवरी राज हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,800, व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस। तो अब हमें बेटा क्रेडिट बैलेंस निकालना है, बात समझ आ रही है? तो अब हम देख लेते हैं, 14,100 था अगर उसका बैलेंस, सॉरी प्रॉफिट, फोर्टीन हंड्रेड था उसका बैलेंस, सही है, सॉरी 14,100 उसका प्रॉफिट था, कैंसिल करें, तो फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड था। इसमें से सबसे पहले तो बेटा सैलरी माइनस हो जाएगी राज की 3,000, फिर बच गया 11,100, क्या बच गया, 11,100 बच गया। सही है, कंटिन्यू कर लेते हैं जी, ये देखें 45 पर थे ना, 14,100 बेटा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है। सबसे पहले उसमें से सैलरी माइनस कर लेंगे राज की, तो कितना आ जाएगा, 11,100। अब हमें राज का बेटा, राज का प्रॉफिट शेयर चाहिए ना, तो क्या है प्रॉफिट शेयर, 2:1, तो हम डायरेक्ट 2:1 का मतलब इसका 2/3 निकाल लेते हैं, तो 2/3 क्या आ जाएगा, मिसिंगली 12,000, तो 8,000, 8,000 में से 600, 7,400 आ जाएगा, सही है, 7,400 राज का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। अब हम राज का करंट अकाउंट बना लेते हैं, तो बेटा राज का करंट अकाउंट में शुरू में था डेबिट बैलेंस 1,800 का, और अब आप उसके अकाउंट में ये 7,400 का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ जाएगा और 3,000 की सैलरी भी आ जाएगी, तो अब उसका नया बैलेंस क्या होगा, 10,400, ये टोटल आ गया, 10,400 ये टोटल आ गया, 10,400 माइनस 1,800,
10,986 8,600, और ये 8,600 वहाँ के क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा A 45। सही है, क्लियर है। 46, द फॉलोइंग अकाउंट अपियर्स इन द बुक, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है बेटा ये। सब्सक्रिप्शन का अगर फॉर्मेट आप रिकॉल करो तो यहाँ पे अरियर्स ब्रॉट डाउन आते हैं, और एडवांस ब्रॉट डाउन नहीं है नहीं तो यहाँ पर आता है क्रेडिट पर, और ये एडवांस कैरेट डाउन होता है। समझ आ रही है? तब हम पढ़ के देखते हैं। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑन 1 जनवरी 2020 वॉज अमाउंटेड टू 2,000। सही है, अमाउंटेड टू 2,000। तो भाई साल के शुरू में प्रीपेड नहीं है, अरियर्स है। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू 3,000। तो भाई एडवांस या प्रीपेड एक ही चीज है ना, तो ये सही लग रहा है, ये सही है। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू 3,000। सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी 46 का। 47 बेटा देख लेते, तारीख प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाला अच्छा एमसीक्यू है। अब ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ड्रॉइंग्स आपको बताई हुई, प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा इसके थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट, और इसके थ्रू सर कैसे प्रॉफिट। निकलेगा? मैं बता रहा हूँ बेटा, कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, एसेट माइनस लाइबिलिटी है ना, नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं दी, इसका मतलब वो जीरो है। तो दोनों एसेट को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, 60 प्लस 20 80 80 माइनस 15 65,000। और ये देखो, 70 प्लस 25 95 95 माइनस 19 85 75 76,000। तो कैपिटल एट स्टार्ट है 65,000, तो आप यही करते हो ना, कैपिटल एट स्टार्ट 65,000 प्लस प्रॉफिट, इसको एक्स रख लो, माइनस ड्रॉइंग्स 5,000 इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड। तो ये आपका आ जाएगा 65 माइनस 5 60,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 76,000, और एक्स आपका आ जाएगा 76 माइनस 60 16,000, आपका जो प्रॉफिट डी आंसर है। जाएगा। समझ आ गया? 47 D। अच्छा फिर बेटा, आप एक और बार समझा देंगे, क्या चीज वो एक और बार समझा देंगे। क्या नहीं समझ आया बेटा? ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया समझ, और क्लोजिंग हाँ, कैपिटल कैपिटल तो ये फिर क्या एक्स के करेंगे? है। आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या करते हो, कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड, इसी तरह आता है ना, हाँ यही करा है। चलो, हाँ कैपिटल एट ठीक स्टार्ट है। 65,000 प्लस प्रॉफिट नहीं पता, तो उसको एक्स रख लिया, माइनस 5,000 ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड, फिर एक्स निकाल लिया। समझ आई? ठीक है अच्छा शुक्रिया। भाई, नॉट डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, व्हाट वर द क्रेडिट सेल्स। अब देखो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, मैं भी आपकी जगह होता ना, डिक्रीज से थोड़ा कंफ्यूज होता, मुझे नहीं पता इसको कैसे अपने अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये, आप अपने पास से कोई भी ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू अज्यूम कर लो। तो आप लोग बताओ क्या मैं अज्यूम करूँ, अपने पास से कोई भी अज्यूम कर लो ट्रेड रिसीवेबल जो भी शुरू में थे, वो वैल्यू अज्यूम करो, कोई भी वैल्यू बता दे, क्या अज्यूम करूँ ट्रेड रिसीवेबल की। 58,000 58,000, थोड़ी छोटी वैल्यू कर लो ना, ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए। 10,000 अगर 10,000 थे शुरू में ट्रेड रिसीवेबल, 2,000 से डिक्रीज होगा तो साल के आखिर में कितने हो जाएंगे? 8,000 सही है, तो आप ऐसे खुद कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज के साथ खेल सकते हो। 10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है, सीडी आपका 8,000 क्लोजिंग बैलेंस है। रिसीट्स किधर आ जाएगी? बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट, तो रिसीट्स यहाँ पर आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पर आ जाएगा, सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर आ जाएगा, और आपकी क्रेडिट सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हम ये बॉक्स खुद निकाल लेते हैं, ऐड करो इन सबको। 58 प्लस 8 66 66 प्लस 68 68 टू 68 700, ये भी 68,700 माइनस 10,000 58,700 आपका आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर फॉर क्रेडिट सेल्स इज C 48C। समझ आ गया बेटा? सही है, सर, अगर हमने कोई और वैल्यू यूज की होती तो आप कोई भी वैल्यू अपने पास से यूज कर लो, बस डिफरेंस दोनों में 2,000 का होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। आप वैल्यू प्लग इन करके देखो, क्योंकि देखो बात समझ आ रही है, यहाँ पे देखो 8,000 इसमें ऐड हो रहा है, तो वहां से 10,000 माइनस भी तो हो रहा है, तो नेट तो 2,000 ही डिक्रीज माइनस हो रहे हैं ना, बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो मैथ्स अपनी वर्किंग खुद कर दिए, मैच का मैं बोल रहा हूँ मैथ्स अपना अपनी वर्किंग खुद करिए, नेट इफेक्ट तो 2,000 ही रहेगा ना। समझ आ रही? सर, मतलब ऐसा कोई वैल्यू रखिए जिसका डिफरेंस 2,000 हो। बस हाँ, विच चेंज वुड इंक्रीज इन द लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो किससे बढ़ेगा? करंट एसिड का आप कोई भी आइटम बढ़ा दो सिवाय इन्वेंट्री के, तो आपका एसिड टेस्ट रेशियो इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि एसिड टेस्ट में इन्वेंट्री नहीं आती, या फिर करंट लाइबिलिटी कम कर दो, ए और बी तो नहीं हो सकते।
सही है, इन्वेंट्री तो कुछ भी नहीं। डिक्रीज इन प्रोविजन ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज करोगे तो आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़े जाएंगे ना, नेट ट्रेड रिसीवेबल आपके ज्यादा होंगे, अगर वो ज्यादा होंगे तो आपका करंट बाकी करंट एसेट ज्यादा होंगे, और वो ज्यादा होंगे तो एसेट टेस्ट रेशियो ज्यादा होंगे। कॉल अ ट्रेडर टू गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज, दिस गुड्स कॉस्ट हैड कॉस्ट 100 एंड $8, कैरिज हैड बीन पेड फॉर देम टू बी डिलीवर्ड टू द बिजनेस। देखो कार ने एक गुड्स जो ना खुद निकाल लिया, हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड इन कार्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो भाई जो कार्स ने गुड्स निकाले ना, वो कितने डॉलर के निकाले, $100 के, लेकिन बिजनेस ने उस पर 8 कैरिज भी तो दिया है, तो बिजनेस का टोटल लाइक गुड्स एक्चुअल में पड़े कितने के, 108 के पड़े ना, एक्चुअल में कार्स ने ड्रॉइंग शुरू की है ना, वो 108 की है। बात समझ आ रही है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सबके समझ आया? एमसीक्यू नंबर 50 समझ आया? प्लीज रिप्लाई करो। जी सही है तो बेटा 108। बेटा मार्किंग स्कीम में इसका आंसर मेरे ख्याल से सी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सी गलत है, मैं डी ही मार्क करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस को जितने में गुड्स पड़ रहा है ओनर को उतने में ही गुड्स देगा ना, बिजनेस अपना नुकसान तो नहीं करेगा ना। बात समझ आ रही है? नहीं तो फिर तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। जी तो मैं इस आंसर को चैलेंज भी करूंगा। सही है, मैं देखता हूँ। सही है, तो आई थिंक आज के लिए 50 MCQs का काफी है। तो कल बेटा मैं कल ये 2 से 4 ऑनलाइन क्लास नहीं रखूंगा, कल ऑनलाइन ही 11 से 1 ही क्लास होगी, क्लास में भी होगी और ऑनलाइन भी होगी, 11 से 1 ही। सही है, तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, मैं क्लास कल 61 से स्टार्ट करूंगा, 51 to 60 आपको घर पे करूँगा। सही है, अल्लाह हाफिज़। सही है, अल्लाह हाफिज़। सर आपने ये सारे वो भेजे सही है, ग्रुप पे, रजीस आपने ये PDF भेजे ग्रुप पे, बेटा भेजा है ना आपको स्कूल के ग्रुप में एक बार। सही है, तो मैंने देखा नहीं है। चलो सही है। एमसीक्यू के लिए थ्योरी नोट्स पढ़ लें। बेटा जाहिर सी बात है, वो तो पढ़ना पड़ेगा।